अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, कैसे हैं आप लोग? भाई आप लोग रिएक्शन को बड़ा पसंद कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं, बड़ा पसंद कर रहे हैं आप लोग। तो भाई आज हम किस पे रिएक्शन करें माज भाई? यार आज हमें किसी वेब सीरीज पे रिएक्शन करना चाहिए। वेब सीरीज पे? तो भाई अपनी वेब सीरीज पे कर लें, डैडी शैडी पे। चलो ठीक है, क्या तो बहुत अच्छा है। तो भाई आप ये बताएं कौन सा एपिसोड करना है? पहले तो शुरू करते हैं, तीसरे तक जाएंगे, अगर लोगों को अच्छा लगा तो। पहले ये बताएं, लोग कह रहे हैं डैडी शैडी सीजन 2 का है। सीज़न 2 हम एक बंदे की वजह से रुके हुए हैं, वो बंदा बड़ा मसरूफ़ है आजकल, दादा के गुलाब जामुन में मसरूफ़ है गुलाब। वो गुलाब जिस दिन हमें टाइम देगा हम उसी दिन जाके शूट से स्टार्ट कर देंगे। वाह भाई क्या बात है भाई, आप लोग वेट कर रहे हैं, मुझे हमें पता है डैडी शैडी सीज़न 2 का। लेकिन ये कि माज भाई ने अच्छा की ईद स्पेशल डाली, फिर बकरा ईद स्पेशल डाली, ये बड़ा अच्छा किया माज भाई ने। तो भाई स्टार्ट हम तो अच्छा करते ही है ना। अच्छा करते हैं हम तो करते हैं माशाल्लाह। क्या बात है क्या बात है, स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। पका लिया अगर आपने? चलो बिस्मिल्लाह। ओए होए होए, वीडियो स्टार्ट होते ही चमाट पड़ गया। चमाट तो अपनी शान है, डैडी शैडी में अगर चमाट ना पड़े तो डैडी शैडी का मता बेकार है। एक चमाट की 10,000 रुपये लेता हूँ मैं। अच्छा बताओ, चमाट जो होते हैं रियल होते हैं फेक होते हैं, ये बताओ ऑडियंस को। यार जितने भी चमाट होते हैं सब रियल होते हैं। ये अगर गलती से फेक लगा देना उसके डैडी की, तो मैं बोलता हूं जो अपने बड़े से घर में अकेले रहते हैं, लेकिन डैडी और शैडी की आपस में कभी बनती नहीं। चमाट रियल आए दिन उनकी नोक झोंक जारी व सारी रहती है, लेकिन पिछले दिनों उनकी नोक झोंक में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि शैडी को एक लड़की से प्यार हो गया है और वो लड़की डैडी को एक आंख निभा रही। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नौजवानों में शादी की ख्वाहिशात बढ़ने लगी, बाप परेशान। डैडी? हाँ डैडी। वो क्या? वो मैंने आपको बताया था ना, हफ्सा का। हफ्सा वो जिसने तुझे फंसाया है ना? हाँ। क्या हुआ उसको? डैडी मैंने उससे बहुत प्यार करता हूँ। अबे तो ये तो बताया था ना तूने। मतलब क्या मैं हफ्सा से प्यार नहीं कर सकता? बताया था। अरे तो रिश्ता लेके कब जाएंगे? कब से टोपी पे टोपी, टोपी पे टोपी, टोपी पे टोपी करा जा रहे हैं यार। अबे वो टोपे क्या टोपी टोपी कर रहा है भाई, इधर बैठ। देख बेटा एक बात तुझे आज क्लियर कर देता हूँ, मेरा ये शादी मेहंदी बारात मायो वलीमा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? अबे और तो और मैं अपनी शादी में भी नहीं गया था। शादी कैसे आ गया? मैं सो रहा था, अब्बा मुझे उठा के ले गए, जब आंख खुली तो दूल्हा बन के स्टेज पे बैठा हुआ था, लेकिन नींद इतनी आ रही थी फिर मैं दोबारा सो गया। सोने के बड़े शौकीन हैं डैडी। तुम्हारी अम्मा को देखा ना, ऐसी तबीयत खराब हुई फिर दोबारा सो गया। डैडी को शरीफ आदमी थे। अगर आप मेरी शादी की फिक्र नहीं करेंगे ना तो मैं सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा यार। अबे भाई रह जा कुंवारा, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? डैडी आपकी सेहत पे ना कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी सेहत पे ना बहुत असर पड़ेगा। डैडी लड़की वाले मान चुके हैं, बस उनकी एक छोटी सी शर्त है, वो कह रहे हैं कि अपने डैडी को भेजो और रिश्ता पक्का। अबे भाई तू इंसान है पजामा है, चूंटा बन के चिपक गया यार कसम से। चूंटा बन के चिपक गया, बड़ा मशहूर डायलॉग है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं जाऊंगा। सही है, एक बात ना कान। ओए होए होए क्या धमकी दे रहा है, आइंदा से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा और अब से आपको अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा, समझे ना? अबे ओ समझे ना, ब्लैकमेल किसको कर रहा है बे? अबे भाई तेरा बाप ना भी जवान है, तेरे बाप के हाथों में जान है और यही अपनी शान है, ज्यादा ब्लैकमेलिंग करने की जरूरत नहीं है, कर लूंगा अपने सारे काम। ओए होए होए यहां भी पड़ गया यार। देखो डैडी शैडी का रिएक्शन है, डैडी शैडी को चमाट ना मारे तो मजा नहीं आएगा। तो मैं शैडी बन के नहीं बैठा हूं यार, बाप को कत्ल कर दिया। चमाट के हिसाब में ऐसी वीडियो में लूंगा। कौन सा अखबार है? हां डैडी को नहीं मार सकता, अभी मार सकता, अभी मार सकता हूं। खाना गरम करने की तरकीब, पोस्टर ग्रेजुएट डॉक्टर की चीज है, डॉक्टर की किताब में पढ़े खाना गरम करने की तरकीब। डैडी अपना खाना अपने जवान हाथों से खुद गरम कर लें। यार पेट्रोल खत्म हो गया, कोई पंप भी नहीं है यहाँ पे। अपने आप को चमाट मार दिया यार। शैडी को आदमी है डैडी, इसको बुलाता हूँ साले को। यार ये सब बात वीडियो देख रहे हो, मुझे इसलिए मजा आ रहा है बड़ा। यार ये प्रेम मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा। मैं जरा नागन चौरंगी के पीछे रोड है ना, यहाँ फंस गया, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल लेके आ सकते हो तुम अपनी बाइक पे? बड़ा अफसोस हुआ डैडी। डैडी एक काम करें आप, बहुत याद कर रहे हैं। देखा? हाँ आपको दो टांगे नजर आएंगी। हाँ एक दो। हाँ मुझे तो याद आ रहा है टांगों के पीछे क्या नजर आ रहा था। अपनी बाइक को सीट के पेट्रोल पंप ले जाके पेट्रोल भरवा लें, हो सके तो एक लीटर मेरे लिए भी ले आएंगे। शॉर्ट ही नहीं वो सबसे मिलने जा रहे हैं ना। मतलब शैडी ने डैडी को लात दे दी, लात दे दी, औकात दिखा दी, काट दिया डैडी का, काट दिया, पूरा काट दिया। सुन
सिनेमैटिक सिनेमैटिक सिनेमैटिक्स बोला है सिनेमैटिक सिनेमैटिक्स डैडी साबुन से मुंह धोते हैं यार टूथपेस्ट से मुंह धोता हूँ टूथपेस्ट से रंग गोरा होता है ये फिर भी गाल है पानी कैसे खत्म हो जाएगा मोटर चला दो पानी नहीं आ रहा डैडी अपने जवान हाथों से मोटर चला ले अपने जवान हाथों से मोटर चला ले बंदे की सोच कैसे जलेगी तू वॉशरूम में जा रहा हूँ पहला एपिसोड अच्छा बना है अच्छा बना यार मैं काफी टाइम बाद देख रहा हूँ मैं एक साल बाद देख रहा हूँ नलकी तो ऐसी की तैसी कर दी यार शेफ ने नया नया घर ऐसी दाग कहाँ होती है ये पता नहीं बादलों पे कौन रोशनी मार रहा है वो पीली रोशनी ये एडिट किसने किया है ये पता नहीं ये स्टॉक फुटेज थी अच्छा जीवित ना आ गया सारे काम अपने हाथ से करने पड़ रहे डैडी की बढ़ गई फट गई डैडी हार गए अबे ना हाथों में जान भी तो नहीं है अभी तो करते हैं हाथों में जान है क्या करूं एक काम करता हूं शेडी का रिश्ता लेके हफ्ता के घर चले जाता हूं यही करता हूं हार मान ली लेकिन इसमें भी बदनामी हो जाएगी शेडी तो जिंदगी भर ताने देता रहेगा कि डैडी झुक गए झुकना नहीं चाहिए इंसान को कभी भी कुछ और करना पड़ेगा कुछ और करना पड़ेगा आज बड़े खराब निकलते हैं ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए हैं सांप भी ना मरे लाठी भी टूट जाए अपन आप भी कंफ्यूज हो गए जो भी है यार क्या सिनेमैटिक है साइनेमैटिक साइनामैटिक साइना कोसामैटिक ये तो आड़ू में नहीं अबे आड़ू में लग रहा है ये तो वो लग रहा है वो पांचवें सीजन में वो है ड्रागोस अच्छा अर्थगल में इस तरह की होली है मैं इसी तरह की होली है मैं हाँ बच्चा बोल क्या हुआ ओए होए होए बाबा जी मेरा एक काम है इसने भी थप्पड़ मार दिया मैंने बहुत बस डैडी अब पता है बाबा को यही हुआ था ना कि तुम हफ्ता नामी लड़की से प्यार करते हो और तुम्हारा बाप जो है वो नहीं मान रहा यही हुआ था ना शेडी बाबा जी आप मेरा नाम भी जानते हफ्सा का नाम भी जानते और मेरे डैडी को भी जानते अरे बाबा सब जानता है बाबा ये भी जानता है कि तुम क्या खा कर आए थे पालक खाया था ना तुमने जी बाबा जी और अपने बाप को भी नहीं पूछा था हैं उसके बाद बाथरूम भी गए थे और क्या क्या किया था बताऊं अभी लकीरें दिखाओ क्या करूंगा अरे हाथ की नहीं बाबा जी फिर कहाँ की जबान की लकीरें दिखाओ जबान की लकीरें यूनिक करने का आदी है यूनिक बाबा जबान से चेक करते बच्चे अबे जबान को पकड़ लिया था यार शेफ ने अपने हाथों में नहीं था ये किसी और का हाथ था झूठ सरासर झूठ है ये मतलब तुमने अपना काम जो है खुद खराब किया है मैंने अरे तुम्हारा बाप रिश्ता लेने जा रहा था लेकिन तुमने उसको नाराज कर दिया तो अब तुम्हारे बाप की हट गई है हट गई है बाबा जी अब मुझे क्या करना होगा बच्चा अपने बाप की खिदमत करो उसके पांव दबाओ उसके फरमा बरदार बन जाओ समझ रहे हो ये जो रात गुजरेगी ना उसकी अगली जुमरात आएगी वो भी गुजरेगी जब तीसरी जुमरात आएगी ना तुम्हारा बाप तुम्हें खुद बोलेगा कि बेटा रिश्ता लेने चल बाबा जी बहुत शुक्रिया बाबा जी लेकिन जब बाप राजी हो जाएगा ना तो बाबा से मिल के जाना वरना कुछ भी हो सकता है अरे नहीं नहीं कोई बाप भी अपने बच्चे से नजराना लेता है क्या अरे भाई बाप क्यों मर गए दादा क्यों होंगे चलो जाओ यार बाबा की हटा के रख दी है मतलब रैंडम डायलॉग चला गया आराम ये आ गया चाइना का शाहरुख खान ये कह रहा है ये माइक डैडी समझ रहे हो डैडी मुझे माफ कर दें डैडी मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे प्लीज माफ कर दें मैं आइंदा आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा डैडी बेटा शेडी इतना सा था तू अबे इतना सा कौन होता यार तुझे पाल पोस के बड़ा किया इतना अकेले जितना लेकिन जब तू बड़ा हुआ तो अपने बाप से नाफरमानी करने लग गया बेटा शायद तुझे पता नहीं है कि एक माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है एक माँ बाप जब जवान बच्चा उनसे नाफरमानी एक माँ और एक ही बाप होते हैं सर सबके या दो माँ बाप होते हैं क्या किसी के तो दो है ना माँ और बाप एक माँ और एक बाप मैंने तुझे माफ किया वालदैन दो होते हैं वालदैन एक होते हैं वालदैन
वालदेन एक होते हैं एक माँ और एक बाप, चलो छोड़ यार बातें। देखते ही देखते तीसरी जुमरात आ गई। तीसरी जुमरात आ गई। बेटा शेडी। जी डैडी। आज जुमरात है? जी डैडी। अच्छा, घड़ी बड़ी मेरी फेवरेट है। शाम को ना कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो कैंसिल कर देना, आज शाम को तुम्हें मेरे साथ एक काम पर जाना है, ठीक है? क्यों डैडी? अरे भाई बहुत जरूरी काम है, जाना है। डैडी इस तरह की, फिर भी डैडी बताए तो। अरे भाई हर बात बच्चों को बताने की नहीं होती, कुछ बातें बड़ों को करने की होती है। हर बात बताएं। अच्छा डैडी मैं शाम 6 बजे तक आता हूँ, अभी मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इस शेडी की एक्टिंग अलग थी, अब जो शेडी चल रही है उसकी एक्टिंग अलग है। डैडी हाँ, काफी डिफरेंट ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ नहीं, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। डैडी सेम है, नहीं डैडी भी अब बूढ़े हो गए, पहले जवान लग रहे हैं यार। दोस्त सीन क्या है, कुछ समझ में आता है? बाबा जी बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी आपने कहा था ना कि पहली जुमरात छोड़ के दूसरी जुमरात छोड़ के तीसरी जुमरात आएगी ना उसमें मेरे डैडी मान जाएंगे बाबा जी। बाबा जी मेरे डैडी मान गए बाबा जी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा ने बोला था ना, बाबा झूठ थोड़ी बोलता है। बाबा झूठ थोड़ी बोलता है, तो मान चुके। आप जरा लड़की वालों को हाल चेक करके बताए ना, देखें वो मानते नहीं मानते। बच्चा मान तो जाएंगे, लेकिन एक बुरी खबर है बेटा, बुरी खबर। अरे बाबा जी बताए ना। छोड़ो तुम बच्चों, मैं तुम्हें नहीं बता रहा। अरे बताए ना बाबा जी। नहीं बता रहा। अरे बाबा जी बताए ना, भूल को सस्पेंस क्रिएट कर रहे। बाबा को डरा रहे हो यार। बाबा पहले डर गए बोलने से। बाबा पहले डर गए, फट सही है। तुम्हारा निकाह होगा ना उस दिन तुम्हारी बीवी जो है ना वो बेवा हो जाएगी। बीवी बेवा हो जाएगी ना, ये तो बहुत अफसोस की बात है बाबा जी। बहुत अफसोस की बात, बेवा हो जाएगी बीवी बेचारी है। मैं क्या करूंगा? चलो खैर है, बेवा हो जाएगी हमारा लड़का पहुंचेगा, हम आ जाएंगे। हाँ आज सारे मामला आज तय कर देंगे। जी जी क्या हुआ भाई? एक मिनट अंकल। हाँ क्या हुआ डैडी? क्यों उतार रहे डैडी? क्यों भाई? मैं बोल रहा हूँ कैसे उतार रहे हैं? हमें जाना है। किधर जाना है डैडी? अरे वो तुम्हारे रिश्ते के लिए। हमें कहीं नहीं जाना डैडी, तुम्हें सरप्राइज देना है। फट गई बहुत जल्दी, फट गई। क्यों भाई कितना डरता है मौत से? गले मिल गया। अरे वो क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी, बाप हमेशा बाप होता है। बाप हमेशा बाप होता है, बाप हमेशा बाप होता है, सही बात है बिल्कुल। शेडी हमेशा शेडी होता है, टमाटर तो पढ़ना था ना। शेडी तो हमेशा शेडी होता है लेकिन टमाटर बहुत ही बेकार था। मतलब एक और मारेंगे फिर हम। चले फिर अगले पार्ट जो होगा ना डैडी शेडी का एपिसोड 2, उसके अंदर मैं टमाटर जरूर मारूंगा, पूरा करूंगा यार। ये वैसे बड़ा मजा है देखने में, पुराना काम था हमारा, एक साल पुराना। इसमें भंड भी हमें नजर आए, अब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यार। एक्टिंग में, एडिटिंग में, डायरेक्शन में, स्क्रिप्ट में क्या क्या भंड थे, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, सब पता चल रहा। लेकिन ओवरऑल जो अच्छा स्टार्ट था डैडी शेडी का, फर्स्ट एपिसोड था, अच्छा स्टार्ट था। और डैडी की एक्टिंग करने में मुझे मजा भी बड़ा आता है, क्योंकि करेक्टर वो होता है ना, वो वाला क्या, कौन सा करेक्टर होता है, इसको क्या कहते हैं अच्छे वर्ड में, गंदा वर्ड तो आ रहा है बड़ा अच्छा अच्छे वर्ड में मतलब ये है कि जो चाले चलता जो है, लेता रहता है इंसानों की। मतलब देखो एक वर्ड का कितनी आसानी होती है, फॉरन डिफाइन। एक वर्ड होता है एच से आता है, शुरू करते हैं फिर खत्म कर देते हैं, आई पे खत्म हो जाता है, एच से आता आई पे खत्म करते हैं। लेकिन ये है कि बड़ा मजा आता था डैडी की एक्टिंग करने में, आज तक आता है भाई। और इंशाल्लाह डैडी शेडी सीजन 2 बनाएंगे इंशाल्लाह, दादा सीरीज जैसी खत्म होगी फौरन उस पर लगेंगे और बनाएंगे इंशाल्लाह। आड़ू दी आड़ू उस पर इंशाल्लाह जरूर मिलेगी आपको डैडी शेडी। और डैडी शेडी में लोगों का रिस्पांस भी बड़ा अच्छा, बहुत जबरदस्त आता है, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। अभी जो ईद वाली डाली थी, ईद पे जो दोनों डालेंगे तो 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे दोनों हो चुके। औकात से बढ़ के रिस्पांस आ जाता है, औकात से बढ़ के आता है, औकात से बढ़ के रिस्पांस आ जाता है। तो भाई हमारी जो सीरीज़ है डैडी शेडी है, दादा सीरीज़ है, सारी हमारी सीरीज़ है अपनी, तो इसको आप पसंद करते रहें, इसी तरह लाइक करते रहें, हम बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। दादा सीरीज़ के भी आएगा सीजन 10 तक आएगा, डैडी शेडी का भी सीजन 10 तक आएगा। हम वाकई में बुड्ढे हो जाएंगे उस वक्त, फिर हमारे बच्चे आ जाएंगे। हाँ वाकई में मैं जो ना डैडी बन जाऊँगा, वाकई में डैडी, फिर मज़ा आएगा एक्टिंग करने, मज़ा आएगा। फिर दादा दादा भी दादा बन जाएंगे, दादा भी दादा बन जाएंगे।
तो वही इसी तरह हमें प्यार देते रहें, मोहब्बत देते रहें, और हमारा चैनल भी छोटा था इसको भी सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें, अगर किया हुआ तो आपका बहुत बड़ा एहसान है। कमेंट कर दें, कुछ तो करें यार, कुछ तो अच्छा लगे करें, करें कुछ भी करें, इंसान को कुछ ना कुछ करना लाइव में करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइव में सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। और किसको करना चाहिए? मिश्कात खान को करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना करो चाहिए। सब्सक्राइब कर दो ऐसी अपनेपन के साथ, कर दो अल्लाह हाफिज़। आज कर दो सब्सक्राइब, आज आज तोड़ दो अपनी कसम, कर दो। मैंने अल्लाह हाफिज़ कर दिया। अच्छा अल्लाह 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 हाफिज़।